मंत्री ओटाराम देवासी को सीने में दर्द की शिकायत के चलते एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में मंत्री ओटाराम देवासी का इलाज चल रहा है। देर रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। ओटाराम देवासी राजस्थान के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री है। इसके साथ ही देवासी आपदा प्रबंधन राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग के भी राज्य मंत्री है। एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सवाई मानसिंह हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर उनकी जांच में उन्हें एंजाइना की समस्या प्राथमिक रूप से सामने आई है। उन्हें आईसीयू वार्ड में ले जाया गया और डॉक्टर सीएम शर्मा की यूनिट में भर्ती कराया गया है। उनकी एंजियोग्राफी करने के बाद ही फाइनली कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई है और मंत्री ओटाराम देवासी के सभी ब्लड टेस्ट भी करवाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मुबारिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारिक, फिलहाल आपके पास उनके स्वास्थ्य से जुड़ी ताजा क्या अपडेट है? देखिए सुनीता, कल जो है रात को सीने में दर्द की शिकायत ओटाराम देवासी को हुई, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे में उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनकी तमाम जो जांचें हैं वो शुरू की गई और उन्हें कार्डिक वार्ड में आईसीयू वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया गया। और जो कार्डिक जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में फिलहाल जो है उनका इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान उनका ईसीजी और 2D इको और TMT इस तरह की जो जांचें हृदय रोग से संबंधित जो चीजें होती है जो जांचें होती है वो उनकी की गई। हालांकि ब्लड टेस्ट और 2D इको की जो जांच है वो एकदम सामान्य आई है, तो ऐसे में अगली जो जांचें हैं वो भी क्योंकि हृदय से जुड़ा ये मामला है, आखिर सीने में दर्द का कारण क्या रहा उसको जानने का जो है वो डॉक्टर की टीम जो है कर रही है। तो ऐसे में फिलहाल जो है जो कार्डिक आईसीयू है वहाँ ओटाराम देवासी भर्ती है और उनका इलाज जो है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं अब डॉक्टर्स की जो फाइनल रिपोर्ट है तमाम जो जांचों के बाद है उसके बाद जो है एंजियोग्राफी करने का डॉक्टर्स का कहना है कि उसके बाद जो है एंजियोग्राफी की जाएगी, जिससे कि हार्ट में आखिर क्यों ये दर्द हुआ उसका कारण जानने का कहीं ना कहीं प्रयास करें। जी मुबारक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।